अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे होममेड ब्रेड क्रम्स, जो कि मैं नॉर्मली घर में ही बनाती हूँ और बहुत इजी हैं, बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग हैं। ये बन पीसेस हैं जो कोई भी नहीं खाता है डबल रोटी के, उनको मैं नॉर्मली जमा कर लेती हूँ। मेरे पास ये चार पीस रखे थे, मैं इनको टोस्ट करूँगी और इनको हम मीडियम उस पर टोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें ब्राउन नहीं करने हैं इनको, बस इनको ड्राई करना है। और इनको हम मैं फिर मैंने इनको जैसे सुबह में करके रख दिया था, तो अब शाम में मैं इनको देख रही हूँ तो ये बिल्कुल सूख चुके हैं, अकड़ गए हैं, ड्राई हो चुके हैं। तो अब इनको मैं पीस रही हूँ, किसी भी चॉपर में लेके आप पीस लीजिए अच्छी तरह से, और फिर आप देखेंगे कि बहुत अच्छा फाइन क्रम हमें मिलेगा। और बाज़ार से जो कि बहुत महंगे मिलते हैं और कोई ईज़िली आप घर में बना सकते हैं, नॉर्मली हर एक के घर में ये कॉर्नर के पीसेस बचते हैं और फेंक देते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप इनके ब्रेड क्रम्स बना लें और इनको आप ईज़िली फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जितने भी टोस्ट होते हैं मैं इनको इस तरह से बना के और फ्रीजिंग बैग में रख के फ्रीज़र में डाल देती हूँ, और जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं इन्हें यूज़ करती हूँ, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट देते हैं, बिल्कुल वैसे ही गोल्डन क्रम्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसके अंदर। तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। इस तरह फ्रीजिंग बैग में डालें और फ्रीज़ करें और इस्तेमाल करें। थैंक यू।